जहां आज की डेट में लोगों की नजर है कि भाई निफ्टी 20,000 जाएगी, 25,000 जाएगी और 22,000 हो सकती है, ये बातें और फैक्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं। आप अगर हमेशा अपनी ऑप्टिमिज्म लेके मार्केट में बैठे रहेंगे और आप रियलिटी से अगर नॉलेज नहीं ले रहे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो कहीं ना कहीं आके आपको तंग जरूर करेगा। अब आज की डेट में लोगों का बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है कि निफ्टी तो 20,000 25,000 जाएगी, लेकिन ऐसी चीजों के साथ आपको रियलिटी के भी फैक्टर्स चेक करने चाहिए मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ऑप्टिमिज्म के साथ आप फैक्चुअल नॉलेज भी आप रखें। अब इस केस में अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं मूवी का, जो कि बिग शॉट मूवी आई थी जिसके अंदर ब्रैड पिट ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करके पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस को ढंग से समझाया था, उसका अगर रिपीट टेलीकास्ट में आपके सामने बताऊं तो ये है कि एक टाइम पीरियड तक यूएस की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी और वहां पे आपका हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, ये सब सारे के सारे लोन्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी का जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ऊपर जा रही थी। तो वहां पे माइकल ब्रडी ने एक प्रेडिक्शन दी थी कि यूएस के हाउसिंग प्राइसेस जो हैं उसके अंदर एक फॉल आना जरूरी है। तो उस मूवी को अगर आपने ध्यान से चेक किया था तो वो एक नंबर पे फोकस करते थे, डेलिक्वेंसी रेशियो, जो कि इस टाइम 2020 के लेवल से इस टाइम यूएस मार्केट के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है, जो कि वो नंबर 6.5% का नंबर क्रॉस हो चुका है। अब डेलिक्वेंसी का ये मतलब है कि पिछले 30 दिनों में कितने बोरोवर्स ने अपनी पेमेंट टाइमली बेसिस पे करी है। यूएस इकोनॉमी के अंदर इस टाइम जो लोन्स चल रहे हैं हाउस होल्ड के, वो $17 trillion का हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन पे अराउंड 20% की ग्रोथ दिखाई दी है। ये नंबर में अब जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो उसका रीजन क्या है कि एक तो यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी कूल ऑफ होना शुरू हो चुकी है, वहां पे आपका हिस्ट्री में 2007 के बाद अभी तक के हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो कि इस टाइम 5% का बेंचमार्क है। इस इकोनॉमी ने अभी तक की हिस्ट्री में इस लेवल पे अपनी इकोनॉमी को नहीं चलाया है, और अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हाउस होल्ड इनकम के एक्सपेंसेस कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि यूएस इकोनॉमी हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी पे काम करती है और आपके कंजम्पशन का जो मेन एक्सपेंडिचर है वो यूएस की पॉपुलेशन हमारी क्रेडिट कार्ड पे यूज करती है, अगर उस क्रेडिट कार्ड पे आपके डेलिक्वेंसीज जो हैं वो इस टाइम पिछले 2-3 साल के हाईएस्ट लेवल पे हैं, तो ये बात पक्की है कि यूएस इकोनॉमी के अंदर क्रैक्स जो आना शुरू हो चुके हैं उसके लीडिंग इंडिकेटर्स ने ग्रीन लाइट देनी शुरू कर दी है। अब ये बात पक्की है कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के अंदर, और उस इकोनॉमी में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो माना जाता है कि यूएस इकोनॉमी में अगर थोड़ा सा स्नीज भी होता है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कोल्ड आ जाता है, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसके अंदर फॉरेन फंड मैनेजमेंट जो है वो पूरी की पूरी डोमेस्टिक कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा अपनी एडवांटेज रखते हैं, क्योंकि जब उनकी इकोनॉमी के अंदर थोड़े से क्रैक्स आना शुरू होंगे और वो पैसा खींचते हैं अपनी तरफ, तो पूरे के पूरे डोमेस्टिक इमर्जिंग वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स का आपका सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी इस टाइम ऑप्टिमिज्म का माहौल है और कोई भी ऐसे फ्लैग्स की वजह से किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया की हम बात। लेकिन अगर ऐसा डेलिक्वेंसी रेशियो आपके पिछले 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे है तो क्रैक्स जो इमर्ज हो रहे हैं उन पे अगर एक लेवल पे कंट्रोल नहीं किया गया तो वहां पे फिर से रिपीट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो कि अगर मार्केट में आ गया, किसी बैंक ने ये चीज को एग्रेसिवली बोल दिया मैनेजमेंट ने, तो बहुत दिक्कत क्रिएट होगी। तो हमेशा मैं अपनी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स करता हूं वहां पे ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है,
लेकिन रियलिटी चेक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमिज्म के अंदर आंख बंद करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे और रियलिटी से दूर दूर रहेंगे तो आगे कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। अब इस केस के अंदर यूएस इकोनॉमी के अगर जो क्रैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहां पे आपकी क्रेडिट कार्ड डेट, आपके पर्सनल लोन्स, आपके कार लोन्स इस टाइम हाईएस्ट लेवल पे डेलिंक्वेंसी रेशियो पे आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसका वर्ड ऑफ कॉशन मैं आज आपके सामने भी बता रहा हूं, क्योंकि ये नोटिस करना बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है। कभी कभी आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से स्टॉक मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी जरूर आता है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री का मेजॉरिटी पोर्शन जो बिजनेस है वो यूएस और डेवलप्ड नेशन से आता है। वहां पे अगर ग्रोथ का मोमेंटम नहीं होगा तो आप आईटी कंपनीज के अंदर भी वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे सकती, ये बात पक्की है। लेकिन आपको अपनी नॉलेज कैसे बढ़ानी है, रेगुलरली आपको न्यूज पढ़नी है और ऐसी कमेंट्रीज पे आपका फोकस होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमी का जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में कैसे आ सकते हैं। अब इस केस में मैंने जो बात करी है उसको आप फर्दर गूगल सर्च के सेल्फ स्टडी के लिए भी डालें और अपने कमेंट्स मुझे बताएं। थैंक यू।